इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस कवर के बीच में क्या फर्क होता है? यार इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछा, अभी क्लास लेके आ रहा हूँ। आई थिंक इंश्योरेंस प्रीमियम इज द अमाउंट दैट यू पे द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द सर्विसेज दैट दे ऑफर, एंड कवर पेमेंट इज जिस बंदे के नाम पे इंश्योरेंस रजिस्टर हुई होती है उसके मरने के बाद जो पैसा उसकी फैमिली को दिया जाता है और या जिस गार्डियन को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पेमेंट कवर। अरे वाह भाई, राइट आंसर। और इसके लिए आपको मिलता है मेरे साथ डिनर पे जाने का मौका। आप चलेंगे? नो थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, लड़की मांगी। लेकिन इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम इल्म है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्लान बताऊंगा और इस प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से। अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 50,000 रुपये बतौर प्रीमियम के अदा करते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद जो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए। सालाना बेसिस पे आपको 50,000 रुपये अदा करने हैं। आफ्टर 20 ईयर्स आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। ये मिलने वाली रकम जो ये कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा उसके बोनस रेट जो है जिस तरीके से ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलेगा। और जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 50,000 रुपये, ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये एज के मुताबिक और जो भी आप इसमें राइडर्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स वगैरह ऐड करवाएंगे उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ओके, तो इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा जो है, दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। तहफ़ुज़ के तौर पर जो है 10 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेचुरल डेथ की मद में, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ हो तो उस सूरत में जो है 20 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी करवा रहा है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, सेकंड ओनर जिसको रखना चाहता है यानी नॉमिनी उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त पॉलिसी लेना चाहता है उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप लोग इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313 2618 209। हमारे पास और भी प्लान है, आपकी जो भी इनकम होगी जो भी आपकी सेविंग होगी उसके मुताबिक हम आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लान भी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। लाइफ की बीमा पॉलिसी खरीद कर हासिल करें तहफ़्फ़ुज़, बचत और मुनाफा एक साथ। फ्री स्टेट लाइफ की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। पुरानी पॉलिसी पर कर्जा, मेच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, हादसा क्लेम, न्यू पॉलिसी के लिए मशवरा बिल्कुल फ्री।